क्या रे, क्या समझते हैं अपने आपको? तेरा 10,000 रुपए लेकर भागे जा रहा हूँ। अरे अभी थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है, नहीं तो मेरा 10,000 तो डेली के खर्चे थे। और क्या बोला था तूने कि जब लौटाने की औकात ना हो तो मत लिया कर। मतलब 10,000 जैसे चिल्लर छुट्टे के लिए मेरे औकात की बात कर रहा है? मेरे दरवाजे पे भिखारी आया करता था ना, उसको भी मैं 10,000 का गड्डी दिया करता था। बोल नंबर क्या है, अभी पैसे भेजता हूँ। 95-69-76-57-69 गया, चेक कर ले मोटे। व्यास भाई, ये आपको मोटा बोला? नहीं आया। ऐसे कैसे नहीं जाएगा, अभी UPI किया ना, ये चमचा बोला उस नंबर पे। व्यास भाई, इसने मुझे चमचा बोला। नंबर बोल, 95-74-76-57-69 नंबर तो सही है, फिर पैसा कैसे नहीं आया? चेक कर ले मोटे बैंक अकाउंट में, कभी कभी मैसेज लेट से आता है। व्यास भाई, ये फिर से इसने आपको मोटा बोला। कान है मेरे पास, तू रिपीट क्यों कर रहा है? फोन दिखा। उनहत्तर का मतलब 69 होता है, 79 नहीं। क्या तूने पैसा किसी और को भेज दिया? मम्मी आप प्लीज बोलो ना उनको पैसे भेजने के लिए, अभी सेल लगी हुई है और वो भी बस आज भर की है। हाँ लेकिन आप बोलोगे तो मान जाएंगे ना? ठीक है, ठीक है, चलो बाय। ये स्पैम मैसेज भी ऐसे आता है जैसे कि रियल में पैसे क्रेडिट हुए हैं। अरे ये मैसेज तो बैंक से आया है। बैंक अकाउंट चेक करती हूँ। ये तो सच में पैसे क्रेडिट हो गए, वो भी 10,000। ये पापा भी ना सरप्राइज देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पैसे देने ही थे तो मना क्यों किया? छोड़ो, थैंक यू पापा, मैं चली शॉपिंग करने। अब बोल क्या बोल रहा था? मैं कहाँ कुछ बोल रहा था, पता नहीं आपको कैसे सुनाई दे रहा था। आपका कान खराब हो गया है शायद, इलाज कराइए। अच्छा तो अब मेरा कान खराब हो गया, और वो मोटा किसको बोल रहा था तू? वो मैं अपने आप को बोल रहा था। तू कहाँ से मोटा है? मैं दिमाग का मोटा हूँ, गधा उल्लू बेवकूफ। और मैं? आप हिप्पोपोटामस है। ये हिप्पोपोटामस क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? पता नहीं लेकिन इंग्लिश में बोला है तो कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा लेकिन मैं ऐसा तारीफ करने से नहीं मानने वाला। और वो पैसे देते टाइम क्या इतना एक्टिंग कर रहा था तू? एक्टिंग? सही समझे व्याज भाई, मैं एक्टिंग कर रहा था। कैसा लगा आपको मेरा एक्टिंग? अच्छा तू एक्टिंग कर रहा था? हाँ, और आपको मालूम है मुझे एक फिल्म में हीरो का रोल मिला है। व्याज भाई, हाँ? व्याज भाई ये आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरे को बेवकूफ लगता हूँ कि ये मेरे को बेवकूफ बनाएगा? सही किया व्याज भाई, ऐसे गधे को पाल के क्यों रखते? हाँ तू फिल्म के बारे में क्या बोल रहा था वो बता। हाँ भाई, वो मुझे फिल्म में काम मिला है और मैं तो सोचा हूँ कि आपको भी एक रोल दिलवा देता हूँ। वो हाथी के बच्चे का कैरेक्टर है, वो कॉस्ट्यूम पहन के करना है। नहीं नहीं, मैं एक्टिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं शूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। पगला गया ब्याज भाई। अच्छा ब्याज भाई कैमरे से? नहीं गन से। चल बेटा लिख दे 300 रुपये उसके खाते में, एक खोखे का। लिख गया तो पकड़।
हेलो कुत्ते के हंसने की वजह से आवाज आ रही है। आजकल कुत्ते भी फोन इस्तेमाल करने लग गए क्या? हेलो 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 सुनिए देखिए आप जो भी है मुझे हंसने के सिवा कुछ आवाज नहीं आ रही। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ और मैं वैसे भी शॉपिंग करने आई हूँ। कार्तिया हेलो अरे अरे यार ये कौन बार बार कुत्ते की हंसने की आवाज सुना रहे? अरे मैं इंसान हूँ, हालत कुत्ते वाली हो गई है, फोन मत काटिए। देखिए आप मुझे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए नहीं तो मैं आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। हेलो हेलो अरे यार बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, काम करके नंबर ही ब्लॉक कर देते। चल 300 और ऐड कर दे। लेकिन भाई अगर इसको गोली मार दोगे तो पैसा किससे वसूलोगे? देख नहीं रहा, सर पे निशाना लगा के गोली मार रहा हूँ कि किडनी सेफ बचे। क्या है किडनी बेच के पैसा वसूल लूंगा ना। क्या बात है भाई, आपके शरीर में तो चर्बी से ज्यादा दिमाग है। पकड़ के लाता हूँ साले, जिस दिन पैसा आ गया ना पहले तेरे को गोली मारूंगा। रुक हाय, मैं विनय कुमार। तो मैं क्या करूं? आपके सैंडल बहुत अच्छे और स्वादिष्ट भी है। ठीक है तो फिर खाया करिए, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। 2000 मेरे पास भी है, मैं लाकर दे दूंगा। मैं खाती नहीं हूँ, खिलाती हूँ। कभी डॉक्टर को देखा है खुद की किडनी का ऑपरेशन करते हुए? वैसे ये आपका बैग बहुत अच्छा है, कितने का है? 4000 का है। ये कचरे के थैली जैसा बैग 4000 के? आपको लड़कियों की चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कहीं आप? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ना वो लेडीज वियर का शॉप खोलना है। देख लिया? क्या देख लिया? मेरे बारे में कोई पूछे ना तो उसको कुछ मत बताइएगा, ठीक है? पर मैं, मुझे आपके बारे में मालूम ही क्या है जो मैं उनको बताऊंगी? वो जो लड़का तुमसे बात कर रहा था वो किधर गया? वो बोल के गया है किसी को कुछ बताना नहीं। वो बोल के गया है कि किसी को कुछ बताना नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा थोड़ी है। वो ना उधर गया। इधर तुम उसको जानती हो? नहीं गुंडा भाई। भाई ये आपको गेंडा भाई बोल रही है? कान है मेरे पास, गुंडा भाई बोल रही है। वैसे मैम मेरा नाम गुंडा भाई नहीं, प्याज भाई है। आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े ना ये नंबर पे मुझे कॉल करना, मैं ब्याज देता हूँ और एक एक पैसा ब्याज का लेता हूँ। पकड़ उसको। दे यार ये तो नंबर ब्लॉक कर दिए, क्या ही कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ट्राई करता हूँ। क्या बात है, अभी तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है।
अरे ये तो वही कुत्ते वाले का नंबर है, नंबर ब्लॉक कर दिया तो अभी व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। हेलो, अभी तो इंसानों वाली आवाज आ रही है। अरे मैडम मैं इंसान ही बोल रहा हूँ। तो अपना मोबाइल कुत्ते को क्यों देते हो? क्या? अरे आपके कुत्ते ने मुझे फोन करके परेशान कर दिया था तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अरे मैडम कभी कभी इंसानों का हाल कुत्तों वाला हो जाता है, पर अभी मुद्दे की बात यह है कि आपके नंबर पर 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गया है। क्या आप इतना चौंक के क्यों बोल रही है? इधर गलती से वो पूरे पैसे का शॉपिंग हो गया। क्या? अरे शॉपिंग वगैरह तो होते रहता है, आप प्लीज मेरा पैसा वापस कर दीजिए ना। उसी पैसे का तो शॉपिंग की। अरे कोई बात नहीं, आपके पास और पैसा होगा ना, आवाज से तो एकदम आप अमीर लगती हो। अच्छा आवाज से मैं अमीर लगती हूँ क्या? हाँ एकदम अंबानी लगती हो, अब आप मेरा पैसा वापस कर दो ना। हाँ तो आवाज से ही तो अमीर लगती हूँ, पॉकेट खर्चा तो मुझे मेरे पापा देते हैं, महीने के 5,000। मतलब मेरा पैसा नहीं मिलेगा? हाँ मैं कोशिश करूंगी। अरे क्या बात कर रही है, मेरे जिंदगी मौत का सवाल है। क्या बात कर रहे हैं आप, 10,000 में आपका जिंदगी मौत का सवाल है? बड़े सस्ते आदमी हैं आप, हमारे यहाँ तो गांव में बकरा भी 15,000 का बिकता है। अरे वो बात नहीं है, मेरे पीछे सांड पड़ा है। बड़ा एडवांस सांड है, पैसा इस्तेमाल करता है। आपने लाल कपड़े पहने हैं क्या? हाँ क्यों? तो अभी उसको उतार दीजिए। लेकिन क्यों? अरे उतारिए तो सही। अच्छा ठीक है। हाँ उतार दिया। अब देखिए सांड पीछा छोड़ दिया। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मुझे 10,000 रुपए किसी को देना, नहीं तो वो मुझे गोली मार देगा। मैं उसी को पैसे ट्रांसफर कर रहा था तभी आप पे गलती से हो गया। अच्छा अब समझ में आया, लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास, जो भी पैसे थे उसका तो मैं शॉपिंग कर गई। हाँ लेकिन आप चाहे तो वो शॉपिंग का सामान लेके जा सकते हैं। अच्छा क्या क्या शॉपिंग किया है? स्कर्ट, कॉम्पैक्ट, लाइनर, लिपस्टिक, लहंगा, साड़ी, ये सब शॉपिंग किया है मैंने। लेकिन वो सब लेकर मैं करूंगा क्या? ये सब आप पहन के घूमिएगा ना, तो जो आपके पीछे पड़ा है ना बंदूक लेके पैसा वसूलने के लिए, उससे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि वो आपको पहचान ही नहीं पाएगा। ए भगवान कहाँ फंस गया मैं। पिंटू भैया एक प्लेट पूरी भाजी। और पैसा? लिख लीजिए, कलम का इंक खत्म हो गया तो बताइए मैं देता हूँ। दोनों पार्टी ऐसे ही करते करते 2,000 रुपये हो गया। ब्याज भाई एक बात बोलें। 50 बात बोल। लोग आपसे पैसा लेकर गाड़ी खरीदते हैं, बेड खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और आप इस किराए के घर में और इस सड़े हुए गद्दे पर सोते हो, इतनी कंजूसी क्यों? एक बात बता, एक बेड की कीमत कम से कम 10 से 15,000 रुपया होगा,
और 15,000 का 3% ब्याज कितना होता है? 450। गद्दे की कीमत कितनी है? 450 रुपया। एक बेड ना लेकर मैं उस ब्याज से हर महीना एक नया नया गद्दा नहीं खरीद लूँ मैं? कैलकुलेशन में दम तो है भाई। और घर कितने का होगा? कम से कम 10 लाख रुपए का तो होगा ही। इसका 3% ब्याज कितना होता है? वही 30,000 रुपया। इस घर का भाड़ा कितना है? 3,000। क्या बात है भाई। क्या भाई, मतलब डायरेक्ट 27,000 रुपए महीने का फायदा। एक बात मालूम है तुझे? ये घर का मालिक ये घर खरीदने के लिए 10 लाख रुपया ब्याज मुझसे ही लिया है और हर महीना 3,000 रुपया इसका भाड़ा काट के 27,000 रुपया मुझे आकर दे देता है। लेकिन भाई, आपका कोई पैसा अगर रखता है तो आप उससे ब्याज लेते हो, लेकिन आप जो मेरा पेमेंट लेट देते हो उसका ब्याज क्यों नहीं देते? ब्याज भाई, ब्याज देता नहीं, ब्याज लेता है। बोल तो अगले महीने तेरा भी ब्याज काट के पैसा दूँ। काट कर मेरे यहाँ रखने का भाड़ा। आपका नाम किसने ब्याज भाई रख दिया? आपका नाम तो कंजूस भाई होना चाहिए था। हाय हाय, बैग वाली 4,000 की? 4,000 की है। वो दिन आपने मुझे बोला था ना, आपके बारे में कोई कुछ पूछे तो बताना नहीं, एक जन बंदूक लेके पूछ रहा था आपके बारे में। कौन थे वो लोग? वो फैंस लोग थे। ऐसे बंदूक लेके पूछते? हाँ, वो लोग मेरे लिए पागल है ना। आप कुछ सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी हो क्या? हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो हम सेलिब्रिटी है। अच्छा, तो आप करते क्या है? मैं हाथ का रेखा देखता हूँ, और आज तक जितना भी देखा है ना, 100% सच हुआ है। उन लोगों का भी देखा था, और वो लोग क्या है ना, गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। वो क्या है ना कि ये सब कला पैसे से बिकने वाला चीज़ नहीं है। वाह, क्या बात कही आपने। शायद आपका फ़ोन बज रहा है। जान दीजिए, फैंस लोग होंगे। ओह, अच्छा तो मेरा भी हाथ देखिए ना, मैं भी पैसे नहीं दूंगी। पैसे से मुझे याद आया कि मुझे एक कॉल करना है, अभी 2 मिनट में मैं आता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। पैसे का इंतजाम हुआ क्या? हो जाएगा। कब तक? देखिए, मुझे ना घर से पॉकेट मनी 5,000 मिलता है, उसमें से 1,000 मैं सेविंग कर सकती हूँ, वो हिसाब से 10 महीने में 10,000 हो जाएंगे। अरे लेकिन तब तक मेरा श्राद्ध हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं श्राद्ध में आके पैसे दे दूंगी। दिमाग नहीं है? मुझे पहले से डाउट था। क्या? कि आपको दिमाग नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? जैसी बातें आप कर रहे हैं। अरे बाप रे, आपके यहाँ बाप को रे बोलते हैं? कितने गिरे हुए संस्कार है। मम्मी। ये तो रो रहा है मम्मी मम्मी बोलकर। ये आजकल के माँ बाप भी ना छोटे बच्चों को फोन दे देते हैं। ए भगवान, कहाँ फंस गया मैं? फिर से फंस गए? ये आजकल के बच्चे लोग भी ना मम्मी पापा के साथ निकला करो। हो गई बात? हाँ हो गई। अच्छा, अभी जब आप गए थे ना तो मुझे भी एक कॉल आया था। अच्छा चलिए, मेरा हाथ देखिए, मुझे भी बताइए ना। आप नेचर की बहुत अच्छी है, सबकी मदद करना चाहती है और करती भी है, लेकिन जिसकी भी मदद करती है वो आपका नाम नहीं लेता है, और इस बात का आपको बुरा भी नहीं लगता है। ये तो आपने एकदम सही कहा, अब मैं भी आपकी फैन बन गई। आपका नंबर दीजिए ना। ये 4 लाइन किसी को चिपका दो, उसका भविष्यवाणी हो जाता है। क्या? कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं। रे ये क्या कर रहा है और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं मिलता हूँ बाद में, बाय। अरे
इधर चलो। क्या रे, मतलब तूने पैसा डुबाने का रिकॉर्ड बना रखा है क्या? और तूने किस किस से पैसे ले रखे है? मतलब जब पैसा देना ही नहीं रहता तो लेता क्यों है? अरे भाई थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, दे दूंगा ना। मतलब देख, मुझे तुझसे पैसे मिलने का उम्मीद बिल्कुल नहीं है। दरअसल मैं किसी और काम के लिए तुझे कॉल किया था। चल सर्विस वाले का नंबर दे। ओ, नंबर मैं व्हाट्सअप कर दिया। देख, मेरा फ़ोन टाइम से उठाया कर। मैं तुझे पैसे कभी मांगने के लिए फ़ोन नहीं करूँगा। हाँ पिंटू भैया, एक प्लेट पूरी भाजी लगाइए। पहले पैसा जमा कर। अरे दे देंगे ना, कैसे करते हैं आप? हर एक रोज का तुम्हारा यही नाटक हो गया है। पहले पैसा जमा कराओ, उसके बाद से पूरी भाजी मिलेगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। भाड़ में नहीं जाएंगे, दूसरे दुकान पे जाएंगे, वहाँ इससे भी अच्छा पूरी भाजी मिलता है। अभी दुकान पे भीड़ नहीं रहता ना, तो अभी तुमको बताता। अरे ब्याज भाई, कैसे हैं? पैसे हैं, उसी की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ भाई, उसी की व्यवस्था में। आज तेरा मैं हिसाब क्लियर कर देता हूँ। अरे क्या ब्याज भाई, आप इतने बड़े आदमी होकर 10,000 के लिए ऐसे बोलते हैं, आप पे शोभा नहीं देता है। 10,000 ये बता रहे? 2,000 का 8,000 ब्याज और 600 रुपये गोली का, टोटल 10,600। बराबर भाई, बराबर दे दूंगा ना। अरे नहीं, आज मैं तेरा 10,900 कर ही देता हूँ, लिख ले रे, आज इसका आखिरी दिन है। हैंडसम हैंडसम, वो तो हुई मैं। अब हैंडसम हैंडसम, मेरे पास भी लोडेड बंदूक है, अगर जरा सा भी हिलाना तो खोपड़ी खोल दूंगा। लेकिन ब्याज भाई, देख ले रहे उसके हाथ में बंदूक है, जीप चबा दूंगा खड़ा रहे। अच्छा किया ब्याज भाई, एक नंबर। लेकिन ब्याज भाई, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, उसके हाथ में बंदूक है, गोली मार देगा, जिसको हाथ पे खड़ा दे। कैसे कैसे गधे पाल रखो, एक बार में समझता ही नहीं है। चलो अपना बंदूक दे दो मुझे। देखिए ब्याज भाई, ये साला एक बार में समझ नहीं लगता, मरवा के मारेगा। अबे उसके हाथ में बंदूक नहीं, केला है, और केला कौवा कब का लेकर उड़ गया है। उतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम वो सुनने की बजाय बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। अरे सुन ले, 25 रुपये बढ़ा के दे दूंगा आज से। हेलो, देखिए मैं आपको फिर से कॉल लगाया हूँ, प्लीज मेरे बातों को सीरियस लीजिएगा। मैं तो सीरियसली लेती हूँ, पर आप ही रोने लग जाते हो, प्लीज इस बार मत रोना। ये तो फिर से शुरू हो गई, अब प्लीज मेरे पैसे का इंतजाम करके दे दीजिए ना। बस वही तो मुश्किल है। देखिए आप किसी से घर में बोलकर या फिर किसी से उधार लेकर वापस कर दीजिए ना। जब मेरे घर वाले ही मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते तो कोई क्या ही उधार देगा मुझे। अरे लेकिन मैं तो फंस गया हूँ ना। अच्छा आप फिर से फंस गए, तो इधर उधर घुसते क्यों हो? अरे मैडम जी, मेरा मतलब है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला था पैसे भेजने के लिए। अब गलती हो गई, गलती तो इंसान से ही होता है ना। मेरे यहाँ तो मुर्गी भी गलती कर देती है। क्या? हाँ, मेरी मुर्गी गलती से पड़ोस में अंडे दे आती है। मैं समझ गया, मेरा पैसा नहीं मिलने वाला है। अच्छा आप? अरे आप वो दिन बिना नंबर दिए ही चले गए, पता है मेरी दोस्त को अपना हाथ दिखाना था। मैं आपको बोला था ना कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, आपको पता ही है कि कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
लेकिन मेरे लिए तो कर सकते हैं ना। तुम इतने प्यार से बोल रही है तो करना तो पड़ेगा। तो उसको बुलाओ। नहीं अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे जाना है। तो आप आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी। ठीक है मैं डायल कर देती हूँ। ठीक है ओके बाय बाय। बाप रे इसके चक्कर में रहा तो पूरे खानदान के हाथ दिखवाएगी। निकल ले बेटा। अब कहाँ जाएगा बचके? ये हंस क्यों रहा है? भाई पक्का वो चाल चलेगा ये? ब्याज भाई पीछे से आपका पैंट फटा हुआ है। भाई आप मत देखो, मैं देखता हूँ ना। देख देख मालिक का इज्जत ध्यान से देख। नहीं फटा है। हाँ अब फट गया। क्या ब्याज भाई आप चड्डी भी नहीं पहनते हो? अरे चड्डी का तो पैसा ब्याज पे दिया हूँ। वो कैसे इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, एक चड्डी तक नहीं ले पा रहा, इतनी कंजूसी। क्या हेलो, पैसे का व्यवस्था हुआ क्या? अरे आप ही ने तो बोला था फ्री में हाथ देखते और पैसे देने पर भी नहीं लेते। अच्छा आप हैं? ये नंबर तो मेरे में पहले से सेव है। अरे ये तो वही लड़की है जिस पे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अच्छा वो मेरी दोस्त का हाथ देखना था, तो फ्री है आप? देखिए फ्री तो हूँ लेकिन अभी हाथ देखने के मुहूर्त नहीं है। आप अभी आ सकती है क्या? बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। ठीक है आ जाती हूँ, तभी तो कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप आएंगे। अच्छा ठीक है ओके। बोलिए क्या जरूरी बात करनी थी? पैसे चाहिए। आपने तो बोला फ्री में हाथ देखते हैं और अभी पैसे मांग रहे हैं। नहीं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, दरअसल गलती से एक बेचारे का आपके नंबर पे पैसे ट्रांसफर हो गया और उस पैसे का आप शॉपिंग कर गई और वो बेचारा मैं हूँ। तो आप ही के पैसे ट्रांसफर हुए थे? हाँ। और आप फोन पे कैसे उल्टी सीधी बातें करती हो? उल्टी सीधी कहाँ बातें करती हूँ, जैसे सामने वाला बोलता है वैसे ही मैं बोलती हूँ। अच्छा देखिए उस पैसे के वजह से मैं कितने परेशानी में हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, अब प्लीज वो मेरा पैसा किसी भी तरह लौटा दीजिए। मैंने आपको कहा ना 10 महीना। लेकिन मुझे अभी चाहिए। अभी तो मैं नहीं दे सकती, बट एक उपाय है मेरे पास। और क्या है उपाय? है एक आदमी, वो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। ब्याज भाई स्पीकिंग। हाँ 10,000 रुपये चाहिए थे, आपका ऑफिस कहाँ है? हर जगह, हम ब्याज इंडस्ट्री के भगवान जो हैं। तो क्या मंदिर में आना है? नहीं नहीं मेरा मतलब आप जहाँ बोलो वहाँ मैं आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है आप आ जाइए पार्क के पास। ठीक है चल बे। वाह आपके संपर्क तो बहुत अच्छे। हाँ बनाना पड़ता है। अच्छा आप जब ऐसे पैसे लौटा सकती थी उपाय करके तो पहले ही क्यों नहीं लौटाई? मैंने सोचा आराम से पैसे लौटाऊंगी, बट मुझे क्या पता था आप जैसे भले इंसान का पैसा है, तो उपाय तो करना पड़ेगा ना। और वैसे आपके लिए एक सरप्राइज भी है। और वो क्या है? अब सरप्राइज बता दूंगी तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। भागना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब जरूरत की चीजें हैं लेकिन हम ऐसा चीज नहीं है कि हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे ही लगा दे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, इसके लिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता पैसों। एक्सक्यूज मी आपको पैसे चाहिए थे? सरप्राइज आप ही
कि फैन आपको पैसे देने के लिए आए हैं। ये तो खतरनाक सरप्राइज था। अच्छा अभी तू पकड़ में आया है मुझे, आज तेरी कुछ चलाकी नहीं चलेगी। क्या हो रहा है ये सब? तो मैडम इसी के पैसे लौटाने हैं, यही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या? तो इसके लिए तू पैसा मंगाई थी मेरे से? ब्याज भाई प्लीज, वो आपको बोला था ना कि गलत नंबर पे पैसे ट्रांसफर हो गए थे, वो आपके सामने में ही वो इन्हीं के नंबर पे पैसे ट्रांसफर हुआ था। प्लीज ब्याज भाई आप छोड़ दो ना। ब्याज भाई इस लड़की को पकड़ कर ले चलते हैं, और जब तक ये पैसे नहीं लौटाएगा तब तक इस लड़की को हम किडनैप करके रखेंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा दिया है तूने। ये लड़की चल मेरे साथ, और तू आज पैसे लेके आ जल्दी। चल चल चल। भैया बादाम शेक मिलेगा क्या उधारी में? महीने के लास्ट में हिसाब करके दे दिया करूंगा। नहीं नहीं उधार में नहीं देता हूँ। मतलब मुझे भी नहीं मिलेगा? आप क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? अरे लगता हूँ ना। अच्छा कैसे? अच्छा आप बताइए आपका गांव कौन सा है? रामपुर। हाँ तो रामपुर में मेरे चाचा के लड़के का शादी हुआ है, तो हुए ना रिश्तेदार। अच्छा किसके यहाँ? नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे भैया आपके बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं कि आपके गांव में भले ज़मीन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप गांव के सबसे खुददार इंसान हैं। बताइए है कि नहीं? आप मेहनत करके खाने में विश्वास रखते हैं, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं रखते, किसी से माने मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं, आप बस भगवान पर भरोसा करते हैं, और आप एकदम गाँव के सबसे ईमानदार इंसान हैं। बताइए है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ ऊपर वाला सब देख रहे हैं। अच्छा ठीक है बादाम शेक ले लीजिए। अच्छा चम्मच तो बोल इस चम्मच लीजिए, खाइए आराम से मुंह में। भाई चुपचाप यहाँ से भागने का कोशिश की ना सीधे गोली मारूंगा। भागूंगी तो नहीं पर चुप रहना थोड़ा मुश्किल है गुंडा भैया। व्याज भाई इसने फिर से आपको गेंडा भाई बोला। यहाँ कान है मुझे, गेंडा भैया नहीं गुंडा भैया बोल रही, और मैं गुंडा भैया नहीं हूँ, मैं बस लोगों को लोन देता हूँ। ओ तो आप लोन देते हैं, तो आपका ब्रांच कहाँ है? मेरा ब्रांच नहीं ओपन ब्रांच, पैसे दो ब्याज लो। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। हाँ हाँ पैसे दे के ब्याज लेती हूँ, फ्री में थोड़ी मिलता है। ब्याज नहीं ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट। ओ, तो आप पैसे में इंटरेस्ट लेते हैं? वही 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 पैसा। पैसे में तो मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, अभी अगर मुझे 5,000 मिल जाए ना तो सबका शॉपिंग कर जाऊंगी। मेरा सपना है बहुत पैसे कमाने का, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसे पैसे में इंटरेस्ट ना हो। अरे वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मतलब जो मुझसे 1,000 रुपए लेता है तो मैं उसका 3% लेता हूँ, मतलब जब तक वो 1,000 रुपए उसके पास रखा रहेगा 30 रुपया मुझे महीना देता रहेगा। बड़े बेवकूफ किस्म के इंसान हो, मैं रहती तो एक ही बार में पूरा पैसा ले लेती। ये भगवान ये तू आके समझा ले इधर पे। देखिए मैडम मैं आपको गणित के रूप में समझाता हूँ, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, समझ में आया? बटा 150 क्यों नहीं? ओ, इसको कैसे समझाऊं?
हेलो हेलो, आप ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? हाँ वो लोग तो अभी बेहोश पड़े हैं। क्या? हाँ मुझे मेरे घर वाले नहीं झेल पाते तो ये लोग क्या ही झेलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पैसे का व्यवस्था करती हूँ। आप जैसे भले इंसान मेरे वजह से टेंशन में, ये मुझसे सहन नहीं होगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चाहेंगी ना तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। अरे आप कब आए? अरे आप जैसे किराएदार रहेंगे ना तो हम तो आते ही रहेंगे। चाय पानी कुछ ऐसा है क्या? ले आओ। जब घर में है ही कुछ नहीं, अरे तो पूछते क्यों हो? अब सोचे कि मकान मालिक है, पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत आप में शर्म हया होगी तो आप ना बोलेंगे, लेकिन आप तो डायरेक्ट हाँ बोल दिए। तो अभी तो तुम मुझे ये सब सिखाओगे? देख बेटा, इज्जत के साथ मेरा किराया दे दे, नहीं तो ये सब जितने सामान है ना, चूल्हा चौका ये बिस्तर, सब के सब उठा ले जाऊँगा। क्या अभी मजाक करते हैं? तो तुमको ये सब मजाक लग रहा है? अभी के अभी ले जाऊंगा। अरे रुक, क्या कर रहे हैं आप? कैसे करते हैं, मतलब कैसे करते हैं आप? मुझे अभी के लिए पैसा चाहिए, और नहीं तो अभी के अभी सामान उठाकर लेकर जाऊंगा बाहर, और कल घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? हेलो, मैंने आपको पैसे भेज दिए, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आपके चक्कर में मैंने घर से कितना सुना है, कितना गिड़गिड़ाई हूँ, तब जाके पापा पैसे भेजे। मैंने सोचा आप जैसे सोच रखने वाले इंसान को मेरे वजह से परेशानी होगी तो मुझे तो पाप लगेगा ना। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अभी एक छोटा सा काम है, मैं उसको निपटा के आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। किराया चाहिए? हाँ, वो जो पिछले 3 महीने का बाकी है ना, वो भी साथ में चाहिए हमें। चेक कर लो, गया। अरे वाह यार, तू तो 3 महीने का पूरा डालकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हाँ अभी थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है, नहीं तो मैं पूरा बिल्डिंग खरीदने वाला हूँ। पहले जाकर चाय पत्ती खरीद ले। ऐसे को तो मैं माली ना रखूं, मकान मालिक। एक पापड़ी दे दे इसको। चलो चलता, अच्छे दुकान चलाओ।
ब्याज भाई, मतलब आपका गजब है। राशन वाला आपसे पैसे नहीं लेता, गोलगप्पे वाला आपसे पैसे नहीं लेता, और मकान मालिक उल्टा पैसा देता है। मतलब इतना ठाठ तो सरकारी नौकरी में भी नहीं। ये सब के लिए दिमाग होना चाहिए। वैसे ब्याज भाई, ये काम आपने कितने दिनों से कर रहे हो? अरे बचपन से। बचपन में एक टीचर मुझे ट्यूशन पढ़ाने आती थी, मैंने उनको भी ब्याज पे पैसा दिया था, और वही ब्याज के पैसे से मुझे पढ़ाने आते थे। एक दिन क्लास में मुझे उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाया, मैंने उनके ही पैसे पे अगले दिन चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। फिर वो मुझे पढ़ाने भी आते थे और पैसे भी देते थे। क्या बात है भाई, मतलब आप तो मास्टर के भी हेडमास्टर निकले। अरे बाप रे, आपके यहाँ बाप को रे बोलते हैं? अच्छा, तो आप अभी मुझे ही मेरा डायलॉग चिपका रहे। आपको पता है पूरा एक घंटा हो गया हमें बात करते हुए, और मैंने कभी किसी से इतनी बात नहीं की है। सब मुझसे इरिटेट होके 10 मिनट में फ़ोन काट देते, और आप कैसे झेल रहे हैं? मैं तो पूरी ज़िंदगी झेलने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है हमारे गांव में एक बहुत फेमस जलेबी वाला है, इतनी टेस्टी जलेबी बनाता है, मैं आपको क्या बताऊं। और आपको नहीं पता, यही बगल में एक समोसे वाला है, क्या बताऊं, इतना टेस्टी समोसा बनाता है, और इतना भीड़ लगा रहता है ना, आपको उसके समोसे लेने के लिए आधा घंटा खड़ा होना पड़ेगा, पर मेरा पहचान वाला है, मुझे जल्दी दे देता है। आपको खाना है? मन तो है, लेकिन रुकिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कीजिए। अच्छा आप बोल रही है तो ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ जल्दी। ठीक है, आप पिंटू भैया 4 समोसा दे दीजिए। तुम तो बोल के गए थे कि दोबारा आऊंगा नहीं। अरे भैया, पैसा का व्यवस्था होगा तो जरूर आएंगे, आपका पाई पाई चुका कर जाएंगे। अभी क्यों भीख मांगने आ गए? मैं लेकर आया हूँ, ये लीजिए 4 समोसे का काट कर, बाकी का वापस कर दीजिए, और मेरा जो है ना, मैं वो आकर देता हूँ। 18 रुपया और दो तब कुछ मिलेगा। अरे लेकिन 4 समोसे तो दे दीजिए ना कम से कम। जाओ कैसे गए, तभी फलता हुआ तेल मुँह पे डाल दूंगा। ये गलत है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ नहीं मिला क्या? उसके घर पे कुत्ता मर गया है। तो क्या हुआ? तो उसके घर पे कुत्ता मर गया है, तो उसके बनाया हुआ समोसा कैसे खा सकता हूँ, अशुभ होता है ना। अच्छा, ये तो सही बात है। तो पैसे? पैसे तो मैंने कुत्ते के अंतिम संस्कार के लिए दे दिए। अब वो मतलब आपको तो मालूम है कि मैं एनिमल लवर हूँ, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अब चलिए अभी चिकन बिरयानी खाते हैं, सामने बहुत अच्छा मिलता है। भाई 500 रुपये देना, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज भाई प्लीज। ए, मेरे पास ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, ले चेक कर ले, ले ये देख मात्र 20 रुपये है मेरे पास यार। हाँ तो यही दे देना, ये इससे ही हो जाएगा मेरा। अरे क्या आदमी है। हाँ तो उसका वैसा ही चलता रहता है, क्या बताऊँ मैं। नारियल पानी पीते? मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे चलो मैं पिलाती हूँ।
वो पान वाले का पैसा आया कि नहीं? नहीं, उसका अभी नहीं आया भाई। और वो 3,000 उससे ब्याज लेने का था रमेश से, उसका? हाँ, उसने दे दिया भाई। कौन बच रहा था? और वो राहुल, राहुल का क्या सीन? नहीं, उसका नहीं आया अभी पैसा। लगता है उसको अपने हिसाब में लेना पड़ेगा। गुंडा भाई, भाई आज आपको फिर से कोई गेंडा भाई चिल्ला रही, आपको सुनाई दे रहा है? कान है मेरे पास, गेंडा भाई नहीं गुंडा भाई बोल रही है, ध्यान से सुना कर। लेकिन मुझे हर बार गलत क्यों सुनाई देता है? गुंडा भाई, तुम आज हो गए पागल। भैया आपको आपके पैसे मिल गए? अरे कहाँ मिला, पर मैंने तो उनको पैसे लौटा दिए थे। तुमने लौटा दिया होगा, पर उसको लौटाने की आदत थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो और अच्छा इंसान? अरे शमशान जाने वाले मुर्दों से उधारी ले ले, लगता है मेरा भी पैसा लौटाएगा नहीं। वो ऐसे ही करता है, पहले उधारी लेता है फिर गायब हो जाता है। उससे तो उसके दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार सब परेशान है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबके हाथ देखते हैं और उनके काफी फैंस भी है। उसके हाथ के रेखे में तो बस कर्ज ही कर्ज है, वो काम धाम करता नहीं है। नए नए लोगों से जान पहचान बनाता है और उनसे कर्जा लेता है और गायब हो जाता है। हाँ, कहीं आपके साथ तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, ये तो वही है उधार खाने वाला, 2,200 रुपया खाया है। एक दिन 500 रुपया लाया था, मैंने 500 रुपया रख लिया, आपका भी बाकी है क्या? अरे इससे बच के रहना। रामा भैया, रामा भैया, यहाँ कब आए? अरे पहचान नहीं रहे क्या? मैं विनय। पहचान रहे हैं। यहाँ पे कब आए और कैसे हैं आप? अरे तुमको उससे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो ना। अरे कैसी बात करते हैं, आपके गांव का आदमी मिला हुआ, आपको खुश होना चाहिए, पार्टी वगैरह करना चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइम ही टाइम है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। और बताइए ना, आप 2,000 रुपया होगा क्या आपके पास? अरे अब तो सुधर जा, घर था तो पूरे गांव वाले, दोस्तों से, यारों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे कर्जा मांगकर उड़ा दिया, और जब कर्जा देने का टाइम आया तो गांव छोड़ के भाग के यहाँ आ गया। और तेरे पापा को लोग गालियां देते थे, और इस उम्र में तेरे पापा ने मेहनत मजदूरी करके उनका कर्जा भरते भरते रह गए। लेकिन पापा ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। अरे अच्छा हुआ तू जैसे नालायक को घर से निकाल दिया, कम से कम वो चैन से मर तो पाए। क्या तूने इतना कर्जा ले रखा था कि जब तेरे पापा बीमार हुए ना, तो अपनी दवाई के लिए जब उन्होंने लोगों से पैसा मांगा तो किसी ने उन्हें कर्ज नहीं दिया। लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं। कैसे बताते तुझे, कभी गांव में अपने फोन किया है? और तू कर क्या लेता नालायक, तू कर क्या लेता? यहाँ क्या कर रहा तू, भीख तो मांग रहा है सबसे, लोगों का कर्ज लेकर उसे लौटाया नहीं तो अपने आप को बहुत महान समझ रहा है? बहुत चतुराई का काम किया तूने, पता है तुझे? तेरे कारण आज भी गांव में कई बहनों की शादी पूरी नहीं हो पाई, अरे कई बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, कईयों के मकान अभी तक नहीं बने। क्यों? क्योंकि तूने अभी तक उनका कर्जा नहीं लौटाया है। बात करता है तू, देख अपने आप को कितना अकेला है तू, कोई है तेरे साथ, कोई है क्या?
सुधर जा नालायक, सुधर जा। और हाँ, दोबारा मैं तुझे मिल जाऊं तो मुझे आवाज देके बुलाना नहीं। कर्जा खाके अब जहर खाके मरना चाहते हो? चलिए जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो अकेले। मैं निकल जाऊंगी और अगर तुम्हें मरना ही है ना तो मैं नहीं रोक सकती तुम्हें। बट एक बात सुन लो, आज ये तुम्हारी जो भी हालत है ना वो तुम्हारे वजह से है और तुम ही उसे सुधार सकते हो। मेरे वजह से मेरे पापा मर गए, मैं अपने पापा का कातिल हूँ। ये लो और अपने माँ को भी मार दो फिर। हालात कभी किसी के बदलते नहीं है, उसे बदलना पड़ता है। कर्ज लेने के जैसे लत से लग गई हो तुम्हें, क्यों कर्ज लेकर मरना चाहते हो? भगवान के यहाँ हिसाब होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तक जितने भी लोगों का तुमने पैसा लिया है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे नाम से ही गाली देंगे, तुम्हारी माँ को कोसेंगे, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय मार दो उन्हें हार्ट अटैक से। कभी कभी हमारी लापरवाहियाँ जिंदगी के उस मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, पर उस दूर दिखती हुई रोशनी की तरफ हमें खुद ही कदम बढ़ाना होगा।